गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विशाल अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का JRF Academy के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से क्लास के साथ जुड़ते जाइए। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, भारत और आसियान के बीच में जो संबंध है उसका भाग दो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए, फटाफट से क्लास को शेयर कीजिए और क्लास के साथ फटाफट जुड़ते जाएँ, क्लास को लाइक करते जाएँ क्लास में आते ही। और बेसिकली आज की क्लास में हमारा जो मेन मुद्दा रहने वाला है, ये हमने पहले कल की क्लास में समझा था, आसियान क्या है ना, कब गठन हुआ। तो कुछ मुख्य मुख्य हमने फैक्ट्स देखे थे भारत और आसियान के बीच में, जो शीत युद्ध के दौरान है क्या संबंध रहे, शीत युद्ध के बाद किस प्रकार से संबंधों का विकास हुआ। हमने देखा कि किस प्रकार से आसियान देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से ग्रो करी। 1991 के बाद भारत ने LPG रिफॉर्म्स लाए, तमाम मुद्दों पर हमने नजर डाली थी। आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि हमारी कौन से देशों के साथ क्या संबंध है और कौन से देश के साथ हमारी कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, बेसिकली जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए, हर एक पहलू को कवर करते हुए हमें चलना है ताकि हमारा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है हमसे मिस ना हो, है ना। तो जल्दी से क्लास के साथ जुड़िए सभी बच्चे। सभी को गुड मॉर्निंग। चारू जी, हेमलता जी, स्टडी ओनली जी, तनु जी, मीत जी, अनीता जी, सीता जी, आराधना जी, अंकिता जी, वीरेंद्र जी, मनमोहन जी, साधन जी, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया है भाई, एकदम। पढ़ाई कैसी चल रही है? गुड मॉर्निंग बबली जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, कीप ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे, एकदम तैयारी बढ़िया चल रही होगी। फॉर्म आपके बस आने ही वाले हैं, है ना। फॉर्म आपके देखिए निकलने ही वाले हैं, फॉर्म की इतनी चिंता मत कीजिए। आपका जो एग्जाम है वो उसी डेट को होगा जब आपकी जो डेट है वो लगभग 10 अप्रैल से आपके जो है एग्जाम शुरू है, 10 जून से माफ कीजिएगा, 10 जून से आपके एग्जाम शुरू है। तो आपके एग्जाम 10 जून से ही होने वाले हैं शुरू, एक आध या 2 4 दिन ज्यादा तो ऊपर नीचे अगर हुआ तो, नहीं तो उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। आराम से जो है आप तैयारी कर सकते हैं और लगे रहिए मेहनत में रेगुलर। जो है अभी हमारे पास लगभग 2 महीने से कम ही है, 2 महीने से हमारे पास कम ही है, लेकिन इन 2 महीनों में जो है अपनी पूरी तरीके से अपना अपनी जान लगा दीजिए, पूरी तरीके से अपनी एनर्जी लगा दीजिए, पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाइए पढ़ाई के लिए। बिल्कुल भी जो अपना टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए, अगर अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं कहीं तो अपना टाइम वेस्ट करना बंद करके आप पढ़ाई की तरफ पूरा फोकस कीजिए ताकि आपका जो है जून 2024 का ही एग्जाम निकल जाए। जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नायक जी। चलिए बहुत बढ़िया, सबकी पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए भाई, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलनी चाहिए। एक बार बेटा सभी क्लास को लाइक करेंगे, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। तब तक हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलने से पहले थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन अपने बारे में आपको देना चाहूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम विशाल अरोड़ा, फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस और UGC नेट JRF की सेट की JRF की असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एंट्रेंस एग्जाम की पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन यहाँ पर हम कर रहे हैं। 6ठी यूनिट यानी कि 6th यूनिट हमारी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, अभी फिलहाल हमारी ये यूनिट चल रही है और इस यूनिट के अंदर भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भारत और आसियान के संबंध, है ना, इंडिया आसियान रिलेशनशिप। यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो एक बार टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको क्लास की जो भी PDF है वहां पर मिल जाएगी मटेरियल और साथ ही साथ आपको वहाँ अपडेट्स भी मिलती रहेगी, ठीक है। एक बार सभी बच्चे शेयर कर दो भाई क्लास को और सभी बच्चे जो है क्लास के साथ जुड़ जाओ। गुड मॉर्निंग जगदीप जी, कैलाश जी, दीपक जी, गुड मॉर्निंग कल्पना जी, गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, आज तो बच्चे टाइम से आ गए हैं क्लास में, आज तो बच्चे टाइम से क्लास में आ गए हैं। चलो बेटा ऐसे ही टाइम से आ जाया करो क्लास में, जल्दी से टाइम से क्लास में आ जाया करो ताकि सारी चीजें आपको मिस ना हो, बेसिकली कुछ, है ना। मैं चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे से एक भी चीज मिस ना हो, क्या पता वही आपके एग्जाम में आ जाए, तो मिस नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज। इसलिए टाइम से क्लास को ज्वाइन कीजिए ताकि जो है आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट यहाँ से मिल सके, है ना। चलिए शुरू करते हैं एक बार। राधे राधे जमुना जी, राधे राधे। भारत और आसियान के संबंधों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, कल भी करी थी हमने, कल हमने ये देखा था आसियान का निर्माण कब हुआ, 8 अगस्त 1967, कैसे हुआ। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है,
उसके माध्यम से आसियान का निर्माण करा गया था, क्योंकि साम्यवाद को, या मैं कहूँ सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ये जो आपके आसियान देश हैं या दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, जो यहाँ पर अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा रहा है, और कुछ देश यहाँ पर जैसे कि कंबोडिया हो गया आपका, वियतनाम हो गया, ये साम्यवाद से भी प्रेरित रहे, तो यहाँ पर साम्यवाद को दबाने के लिए, साम्यवाद को काउंटर करने के लिए अमेरिका के समर्थन में यहाँ पर आसियान का निर्माण हो जाता है। कब हुआ, कैसे हुआ, है ना? पांच देश जो है इसके संस्थापक सदस्य होते हैं, IMPST, है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये पांच देश अमेरिका समर्थित होते हैं। इसके बाद आपका कंबोडिया वगैरह हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, ये साम्यवादी देशों से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। तो भारत और आसियान देशों के संबंध शुरू में ठीक नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था, भारत ये जो देश है ये अमेरिका की साइड थे, कुछ USSR की साइड थे, और भारत तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ था। हाँ, इंडोनेशिया के साथ हमारे संबंध थे, क्योंकि इंडोनेशिया भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ था, लेकिन आगे चलकर जब सुकार्नो की जगह सुहार तो आ गया वहां पर, तो इंडोनेशिया भी भाई चला गया यूएसए की तरफ और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से बाहर हो गया, तो खास संबंध हमारे फिर नहीं बन पाए। 1991 में जब शीत युद्ध खत्म होता है, 1991 में जब भारत एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आता है, जब भारत उदारीकरण लेकर के आता है, तब इन देशों के साथ संबंध अच्छे बनने लगते हैं। क्यों अच्छे बनने लगते हैं? क्योंकि अब जो है कहानी, अब कहानी दूसरी हो जाती है। संबंध इसलिए अच्छे बनने लगते हैं क्योंकि अब भारत भी एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आता है, भारत भी अपने ओपन डोर की पॉलिसी अपना लेता है, अब व्यापार को बढ़ाना था। और इसी टाइम पर ये जो देश है ये बड़ी तेजी से अपनी जो है अर्थव्यवस्था का विकास कर रहे थे, है ना, ये बड़ी तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर रहे थे, तो हमें जरूरत लगी कि भैया इनके साथ संबंध अच्छे बनाए जाएं, ताकि हमारा भी विकास हो, हमारे देश का विकास हो, और एक शांति बनी रहे, क्योंकि वर्तमान युग ना युद्धों का नहीं है। कहते हैं ना मोदी जी कि वर्तमान दौर आर्थिक विकास का है, युद्ध का नहीं है। अभी ईरान का पूरा पूरा पूरी पूरी कार्रवाई है कि भाई इसराइल पर हमला कर दिया जाए। इवन अभी एक न्यूज़ भी आई थी, मैं आपको बताता हूँ, हिजबुल्ला ने इसराइल पर दागी 40 मिसाइलें, बाइडन ने ईरान को हमला न करने की दी हिदायत। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आज का जो दौर है वो वास्तव में युद्धों का नहीं है। आज का जो दौर है वो आर्थिक विकास का है, वो महाशक्ति बनने का दौर है ना, वो परमाणु युग है, यानी कि परमाणु यूज करके तो सीधी बात है भाई, एक खतरा मंडराने लग जाता पूरे विश्व पर। तो कहीं ना कहीं विकास का दौर है ये, वो जो साम्राज्यवाद था, वो जो उपनिवेशवाद था, वो दौर गया। वर्तमान युग भूमंडलीकरण का है, वर्तमान युग उदारीकरण का है, और वर्तमान युग निजीकरण का है, तो युद्धों का कोई भी फायदा नहीं है। तो ये जो देश है आसियान के, इनमें से कुछ देश है जो सीटों और सेंटों के भी सदस्य रहे, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। ये सारी हिस्ट्री मैंने आपको कल बता दी थी कि कब क्या कैसे कैसे नहीं। कल मैंने आपको लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में भी बताया था, है ना, क्यों भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया, ठीक है जी, लुक ईस्ट पॉलिसी को क्यों अडॉप्ट करा। अब लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक अपडेटेड वर्जन है। अच्छा, मैंने कनेक्टिविटी की भी बात करी है ना, कनेक्टिविटी कैसे भारत जो है अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट करते हुए, जब से 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई है या एनडीए गवर्नमेंट आई है, बेटा बदलती सरकार के माध्यम से ना एक चीज और बदली है ना, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है भारत का, वहां पर ना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया पहले, लेकिन वर्तमान सरकार नॉर्थ ईस्ट पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर। क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है सर? एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में, सन 2014 में मोदी जी के द्वारा लेकर के आई गई, अडॉप्ट करी गई, और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। मैंने क्या बोला, आई बात समझ में? एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है वर्तमान में। जैसे आप अपने फोन में
अपना फोन अपडेट करते हो, लगातार अपडेट आते रहते हैं ना। तो 1992 की, 91-92 की ये वाली जो पॉलिसी है, 1991-92 की जो पॉलिसी है, तो जाहिर सी बात है समय बदल गया, तो इस पॉलिसी को भी अपडेट करना पड़ेगा ना। इस पॉलिसी का भी सॉफ्टवेयर अपडेट करा 2014 में, और कनेक्टिविटी पर इसके अंदर बहुत ज्यादा बल दिया। अब ये कनेक्टिविटी होगी कैसे सर? देखिए, कनेक्टिविटी जो भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, इस स्टेट के, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमने डेवलपमेंट कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा म्यांमार, थाईलैंड, इनके साथ कनेक्शन बन जाएगा। भारत सरकार इस चीज पर भी विचार कर रही है कि भारत से होते हुए इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, इनके बीच में रोड टू रोड कनेक्शन दे दिया जाए, एक हाईवे का निर्माण कर दिया जाए, ताकि इनसे जो है बेहतर कनेक्टिविटी हो सके। और कहीं ना कहीं वर्तमान जो सरकार है उसका ये फोकस है कि हम अपने नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, क्योंकि पहले हमेशा से नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनको भारत पर एक बोझ माना गया है, लेकिन अब उनको बोझ ना मान करके उन पर ध्यान दिया जा रहा है, उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जा रहा है, और उसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके माध्यम से हम साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं इनके साथ अच्छा कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, तो हम उसका लाभ क्यों ना उठाएं। इसलिए 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ जाती है, लुक ईस्ट पॉलिसी के अपडेटेड वर्जन में, है ना। आप से पूछेगा एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट में क्या फर्क है, तो लुक ईस्ट 1992 की है, एक्ट ईस्ट 2014 की है। लुक ईस्ट नरसिम्हा राव जी के काल में आई थी और एक्ट ईस्ट मोदी जी के कार्यकाल में आई थी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर एक कनेक्टिविटी, दूसरा सिक्योरिटी, दूसरा सिक्योरिटी पर, और एक सिक्योरिटी हो गया, दूसरा कनेक्टिविटी, इन दो चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करा गया है। और मैं कहूं आपसे कि 4C मोदी जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत 4C की बात करी है। अभी 4C याद रखना, 4C है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हाईलाइटेड 4 C's ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 4 C बताए हैं, कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि संस्कृति, व्यापार, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण। याद रखना 4 C, है ना, कल्चर यानी कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, कॉमर्स यानी कि वाणिज्यिक आदान प्रदान, कनेक्टिविटी यानी कि हम जो है, जैसे कि आपका कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो गया, इसके माध्यम से, और इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे हो गया, इसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, अपनी क्षमताओं का निर्माण कर रहे हैं। तो ये 4 C याद रखना, कल्चर 4 बार रिपीट करो, 4 C है तो 4 बार रिपीट करो, याद हो जाएंगे, कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग। जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा चार चार बार लिखेगा, कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग, कमा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इससे पहले आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक सबको ये याद नहीं हो जाएगा 4 C कौन से। 4 C को कमेंट सेक्शन में चार चार बार हर एक बच्चा लिखेगा। जल्दी बोलो बेटा, कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग। जल्दी से चार चार बार हर एक बच्चा लिखेगा, चार चार बार लिखेगा, सबको यही याद हो जाएगा, कोई बाद की बाद में हल्का सा रिवाइज करोगे सारी चीजें याद आ जाएंगी। कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, बिल्कुल ठीक। 4 C कौन से हैं? कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, वाणिज्य का आदान प्रदान होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी और अपना जो है कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो इसको यहीं पर याद करना है। अब आसियान के निर्माण की एक छोटी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि इसका निर्माण किन कंडीशंस के द्वारा हुआ। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं पर यहां लिखा है तो एक बार और हम देख लेते हैं कि आसियान का निर्माण होता क्यों है। 1967 में होता है ना आसियान का निर्माण, इससे पहले 1965 में इंडोनेशिया में सुहार्तो सत्ता में आ जाते हैं। ये कारण है आसियान के निर्माण का। क्यों? क्योंकि पहले सुकार्नो थे जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करते थे, लेकिन सुहार्तो के आते ही
ये यूएसए समर्थित होते हैं, यूएसए को फॉलो करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यूएसए का भी बहुत बड़ा हाथ है आसियान के निर्माण में, क्योंकि साम्यवाद को प्रतिसंतुलित करना था। दूसरा, चीन में साम्यवाद की स्थापना और साम्यवाद के प्रसार का भय था, यानी कि कम्युनिज्म का जो प्रचार प्रसार चल रहा था उसको कहीं ना कहीं दबाने के उद्देश्य से आसियान की स्थापना करी गई। इसके अलावा साम्यवाद के प्रसार को प्रतिबंधित करना था, क्योंकि इसमें सभी देश अमेरिका के मित्र थे, और जो बाकी के, देखो 5 देश तो अमेरिका के मित्र थे, और जो बाकी 5 देश हैं वो कहीं ना कहीं, जो मैं कहूंगा कोई उसमें से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो कर रहा था, और बाकी जो है यूएसएसआर को फॉलो कर रहे थे। इंडोनेशिया ने शुरू में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करा, लेकिन बाद में उसने वो अमेरिका के साथ चला गया। तो साम्यवाद के प्रसार को हमें यहाँ पर अमेरिका चाहता था, और ये जो देश कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे, पूंजीवाद के समर्थक थे, ये चाहते थे साम्यवाद को यहाँ पर कम करा जाए, इसलिए आसियान की स्थापना हुई। फिर चीन के विरोध के कारण बर्मा और कंपुचिया ने इस संगठन की सदस्यता नहीं ली, क्योंकि कंपुचिया यानी कि कंबोडिया है ना, कंपुचिया कंबोडिया एक ही है, बर्मा और म्यांमार एक ही है, तो चीन का, क्योंकि चीन के साथ थे ये लोग और जो है आपका साम्यवाद के सपोर्टर थे, तो चीन भी साम्यवादी, बर्मा कंपुचिया इन्होंने इस आसियान के सदस्य ये नहीं बने, ना ही वियतनाम बना, क्योंकि इन्हें जो है ये साम्यवादी थे, और वो आपके आसियान वाले कौन थे, पूंजीवादी थे। आसियान का उद्देश्य परोक्ष रूप में साम्यवादी चीन के प्रसार को नियंत्रित करना था, और ये लोग चीन के साथ थे, तो ये इसमें स्टार्टिंग में शामिल नहीं होते, ये बाद में इसमें शामिल होते हैं, है ना। जब आने वाले टाइम में जब ये लोग खुद भी उदारीकरण अपना लेते हैं तब जाकर इसमें शामिल होते हैं। अब आसियान के उद्देश्य क्या है, क्या करेगा आसियान, है ना। आसियान को हमने स्थापित कर दिया, सब कुछ हो गया, तो शुरू में तो बेसिकली इसको साम्यवाद को काउंटर करना था, लेकिन अब ऑफिशियली बोल नहीं ना सकते कि साम्यवाद के को खत्म करने के लिए हमने ये बनाया है ना, तो फिर तो एक तरीके से सैनिक संगठन हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ उद्देश्य है, किस तरीके से साम्यवाद को नियंत्रित करा जाएगा, इस क्षेत्र में आर्थिक विकास, इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेंगे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेंगे तो भाई अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो प्रभाव बढ़ेगा, इसलिए ये संगठन बनाया गया, ताकि हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर सके, सोशल प्रोग्रेस कर सके, कल्चरल डेवलपमेंट कर सके, इस रीजन में स्टेबिलिटी लाएं, पीस लाएं, या इस साउथ ईस्ट एशिया में शांति निर्माण कर सके। इसके अलावा कोऑपरेशन करें, किसके अंदर, कॉमन इंटरेस्ट में, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हम लोग आपस में एक दूसरे का कोऑपरेशन करें, एक दूसरे की सहायता करें। फिर ट्रेनिंग दे, रिसर्च को बढ़ावा दे, एजुकेशनल फील्ड में रिसर्च को बढ़ावा दे, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, टू प्रमोट द स्टडी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं इनमें रिसर्च, इनमें स्टडी को बढ़ावा दें, है ना, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करवाएं। फिर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड प्रोवाइड म्यूचुअल कोऑपरेशन, कृषि को बढ़ावा दिया जाए, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाए, व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, आपस में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, हेजेमनी को बढ़ावा दिया जाए, तो इसलिए बेसिकली इसकी स्थापना हुई थी। अब एक आपने सुना होगा आसियान प्लस 3, आसियान प्लस 3 क्या है, देखिए आसियान के साथ जब 3 मेंबर और जुड़ जाते हैं तब हम इसे आसियान प्लस 3 बोल देते हैं। आसियान में 10 मेंबर तो हैं ही, लेकिन इन 10 के साथ प्लस 3, अब ये प्लस 3 अलग क्यों है, क्योंकि ये आसियान के मेंबर नहीं बन सकते, क्योंकि आसियान का मेंबर वही बन सकता है जो साउथ ईस्ट एशिया में है, अब ये 3 कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है। कौन कौन सी सर, सबसे पहले आपकी इसके अंदर है चाइना, साउथ कोरिया और जापान। 1997 में आसियान प्लस 3 की स्थापना होती है, और 3 कंट्रीज चाइना, साउथ कोरिया और जापान जब इनके साथ मिलते हैं तब इसे आसियान प्लस 3 कहते हैं, क्योंकि इसमें आसियान देशों के अलावा चीन हो गया, साउथ कोरिया हो गया और जापान हो गया। अब याद रखना आसियान प्लस 3 में कौन कौन है, आसियान के तो 10 के 10 है, बस 3 देश याद कर लेना, सी, एस, के और जे, है ना, चाइना, सी से चाइना, साउथ कोरिया और जापान, तो याद कर लेना बिल्कुल। आसियान प्लस 3 में कौन सा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि आसियान प्लस 3 में कौन कौन से मेंबर हैं, तो नीचे आपको गलत दे दे, कह दे कि भैया नॉर्थ कोरिया है, या फिर आपको बोल दे कि ऑस्ट्रेलिया है, तो याद रखना चाइना, साउथ कोरिया और जापान, ये 3 हैं आसियान प्लस 3 में। भारत का कुछ विवाद है, विवाद क्या है सर, देखिए कुछ खास विवाद नहीं है वैसे तो, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। देखिए वियतनाम और भारत पुराने मित्र हैं, थोड़े से भारत और वियतनाम के बीच में थोड़ी मित्रता रही है,
भारत ने वियतनाम से एक समझौता करा, और वो समझौता ये करा कि जो साउथ चाइना सी है उसमें गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को लेकर के हमारा कुछ समझौता हुआ था, यानी कि गैसों के उत्खनन और उत्पादन को लेकर वियतनाम और भारत में समझौता होता है। भारत की एक कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये भारत की जो है एक कंपनी है, गैस कंपनी है, ऑयल ऑयल की कंपनी है, और ऐसे ही वियतनाम की एक कंपनी है। तो भारत की कंपनी और वियतनाम की कंपनी के बीच एक समझौता होता है गैस के लिए, गैस के एक्सप्लोरेशन के लिए साउथ चाइना सी में और प्रोडक्शन के लिए। चीन को इससे समस्या होती है। भारत का जो है, भारत की एक शिप जिसका नाम INS एरावत था, ये दक्षिण चीन सागर में पहुंच जाती है और चीन को पता लगता है, और जैसे चीन को पता लगता है, चीन की प्रतिक्रिया जो है थोड़ी सी आक्रामक हो जाती है, और चीन धमकी देता है INS एरावत को वापस लेके जाने की। जबकि भारत ने कहा कि देखिए हमारा वियतनाम के साथ समझौता है, हम गैस के लिए व्यापारिक उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं, हम कोई आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए या अपना सैनिक अड्डा स्थापित करने के लिए नहीं आए, हम आए हैं व्यापारिक उद्देश्यों से। जो भारत की दक्षिण चीन सागर में उपस्थिति है वो केवल और केवल ट्रेड के पर्पज से है। तो ये थोड़ा सा विवाद था कि भारत और वियतनाम के बीच में समझौता था, जिसको लेकर के भारत का INS एरावत वियतनाम गया दक्षिण चीन सागर में, लेकिन चीन ने थोड़ी सी हमें धमकी दी, तो हमने चीन को समझाने का प्रयास करा कि भाई हम आए हैं ट्रेड के पर्पस से, ना कि हम आपके साउथ चाइना सी में कब्जा करने के लिए। ठीक है, तो ये छोटा सा मुद्दा था। आई बात समझ? भारत और सिंगापुर के बीच में कुछ संबंध है, उन संबंधों के बारे में भी चर्चा करनी जरूरी है। देखिए 10 के 10 देशों के साथ तो संबंधों की हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आसियान देशों में जो महत्वपूर्ण देश है जिनके भारत के साथ अच्छे संबंध है, जिनके साथ अच्छा व्यापार होता है, जिनके साथ एक्सरसाइज होती है, जिनके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपका सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, इनके इनके बारे में तो हम चर्चा हमें करनी ही करनी पड़ेगी। तो भारत और सिंगापुर के बीच में संबंध नो डाउट अच्छे संबंध है। 1965 में मलेशिया से अलग होकर सिंगापुर बनता है, पहले सिंगापुर नहीं था, सिंगापुर मलेशिया से अलग होकर बना 1965 में। 1967 में आसियान का सदस्य बन गया था, ठीक है, आसियान का सदस्य बन गया था, बेसिकली मैं कहूंगा कि संस्थापक सदस्य था, फाउंडिंग मेंबर था, लेकिन भारत इस दौरान नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की नीति में था। तो सिंगापुर का शुरू में जो झुकाव है वो अमेरिका की तरफ था, लेकिन भारत कूटनिरपेक्ष था, इसलिए हमारे शुरू में संबंध नहीं बन पाए। लेकिन जब 91 में सोवियत संघ का विघटन होता है, जब ये महाशक्तियों के बीच युद्ध का दौर समाप्त होता है, शीत युद्ध का दौर, तब भारत भी LPG रिफॉर्म्स अपना लेता है और भारत भी एक उदारवादी राज्य बन जाता है। तो भारत और सिंगापुर के हित एक जैसे हो जाते हैं, तब दोनों आपस में मिलते हैं, तब दोनों के बीच में व्यापार भी बढ़ता है, तब दोनों के बीच में संबंध भी बढ़ते हैं। और सिंगापुर ना, देखिए सिंगापुर जो है बहुत तेजी से विकास करता है, सिंगापुर बहुत तेजी से विकास करता है, और कहीं ना कहीं हमें सिंगापुर से इस चीज के लिए सीख लेनी चाहिए। एक एक आइडियल मॉडल है कि किस प्रकार से इतनी तेजी से विकास किया जाता है। सिंगापुर में इंडिया ओरिजिन के लोग भी रहते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में लोग जाते हैं सिंगापुर, घूमने भी जाते हैं, वहां पर काम भी करते हैं। इसके अलावा सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसा पहला राज्य है जिसके साथ भारत ने सेपा पर हस्ताक्षर किया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर। सबसे पहले सिंगापुर के साथ हस्ताक्षर हमारे हुए थे, सबसे पहले सेपा का जो समझौता है सिंगापुर के साथ हुआ था। अब मैं आपको चार नाम बता रहा हूं, कॉपी और अपना नोटबुक में इसको नोट कर लेना, क्योंकि नोट्स में नहीं है इसलिए इसे पहले नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था वो आपको पता होना चाहिए। आपसे अभी पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइगर इकोनॉमी में शामिल नहीं है। टाइगर इकोनॉमी क्या है? देखिए टाइगर इकोनॉमी 1980 के दशक में, 1980 के दशक में कुछ देशों ने इतना तीव्र आर्थिक आर्थिक विकास करा, इतना तीव्र आर्थिक विकास करा, इतनी फास्ट ग्रोथ हुई इनकी कि इनको टाइगर इकोनॉमी नाम दिया गया।
इसमें चार देश शामिल है। अब इन चारों के नाम आपको पता होना चाहिए कि टाइगर इकोनॉमी में कौन से चार देश शामिल है। लिख लेना इसको, हाथ के हाथ लिख लेना, नहीं तो बाद में रह जाएगा। पहला इसमें सिंगापुर, अभी लेटेस्ट ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। दूसरा इसमें हांगकांग, तीसरा इसमें साउथ कोरिया, और चौथा इसमें ताइवान। इन चारों का नाम याद रखोगे, जल्दी बोलो हाँ या ना। इन चारों का नाम याद रखोगे, अभी हाथ के हाथ अपनी नोटबुक उठाओ और उसको इन चारों के नाम को नोट कर लो और याद कर लो इनको, है ना। सिंगापुर, हांगकांग, साउथ कोरिया और ताइवान, है ना। SHSKT, है ना। सिंगापुर, हांगकांग, साउथ कोरिया, ताइवान। कुछ भी ट्रिक बनाकर याद करना, लेकिन इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। ये चारों नाम नोट्स में नहीं है, इसलिए आपको बोल रहा हूं, यहां पर आप जो है अपना लिख लीजिए ताकि आपको समस्या ना। अब सामरिक संबंध सिंगापुर और भारत के बीच में कैसे हैं? तो सामरिक संबंध बहुत अच्छे हैं सिंगापुर और भारत के बीच में। जो है मिलिट्री कॉपरेशन में एक अच्छा खासा देखा जाता है कि मिलिट्री कॉपरेशन काफी ज्यादा है, क्योंकि एक्सरसाइज होती है दोनों के बीच में, एक सिम्बेक्स एक बोल्ड कुरुक्षेत्र। यार अब ये सारी एक्सरसाइज चाहे किसी भी देश के साथ हो, एक्सरसाइज बहुत पूछी जाती है कि कौन सी एक्सरसाइज किस देश के साथ होती है, तो आपको पता होना चाहिए हमारी कौन सी एक्सरसाइज किस देश के साथ होती है। देखो सिम्बेक्स का तो मैं बता देता हूं आपको, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और बाकी MBEX अपने आप लगा लेना, इससे समझ जाना सिम्बेक्स सिंगापुर और इंडिया के बीच में होती है। एक होती है विनबैक्स, एक होती है विनबैक्स वियतनाम और इंडिया के बीच में। शुरू के दो देखना, ये विनबैक्स वियतनाम इंडिया, सिम्बेक्स सिंगापुर और इंडिया के बीच में, ठीक है। सिंगापुर और इंडिया के बीच में सिम्बेक्स तो याद हो गया आपको, दूसरी याद कर लेना बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज होती है, सैनिक अभ्यास होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र। इसका इसकी कोई ट्रिक नहीं बन रही, यदि बने तो याद कर लेना, नहीं बने तब भी याद करना, ठीक है। सांस्कृतिक संबंध तो हमारे अच्छे हैं ही। फिर सिंगापुर जब आजाद हुआ था तो सबसे पहले भारत ने उसको राजनीतिक मान्यता दी थी, डिप्लोमेटिक जो है रिलेशन सबसे पहले जो है 1965 में स्थापित कर लिए गए थे, और इंडिया वॉज दी फर्स्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड टू रिकोगनाइज सिंगापुर डिप्लोमेटिकली। तो भारत ने सबसे पहले सिंगापुर को मान्यता प्रदान करी थी, और 1965 में ही हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लिए थे सिंगापुर के साथ। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ सिंगापुर के साथ हमारी कौन सी दो एक्सरसाइज होती है, जल्दी से बताओ। जो सबसे पहले बताएगा, जो सबसे पहले बताएगा वही सबसे पहले बताएगा, तो जल्दी बताओ यार, देर मत लगाओ, है ना। चलो जो सबसे पहले बताएगा उसको मेरी तरफ से एक पीडीएफ फ्री, ठीक है, पीडीएफ फ्री। कौन सी पीडीएफ सर बेटा? यही वाली पीडीएफ। दोनों का नाम बताओ फटाफट से, दोनों एक्सरसाइज का। सिम्बेक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए लॉजिस्टिक सहयोग भी होता है, लॉजिस्टिक लीमुआ समझौता आपने देखा ना, लीमुआ किस किस के बीच है? अमेरिका और भारत के बीच में, है ना। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, कि भारत की शिप वगैरह जाकर वहां पर अपना आराम कर सकती है, वहां की शिप भी पाए तो भारत की जगह यूज कर सकती है, ऐसे ही हमने सिंगापुर के साथ करा। और सिंगापुर अमेरिका के बाद भारत ने सिंगापुर के साथ ही दूसरा समझौता करा, ठीक है। सिंगापुर से जो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज हम कर सकते हैं, चाहे सिंगापुर के नौसैनिक जहाज भारतीय पोर्ट का, इंडियन पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रुक सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं, तेल पानी भर सकते हैं, ऐसे ही भारत भी उनके पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है रुकने वुकने के लिए, है ना। तो ये लॉजिस्टिक सहयोग जो है हमने, लॉजिस्टिक ये जो सपोर्ट है अमेरिका के बाद हमने सिंगापुर के साथ भी करा है। डायस्पोरा भी अच्छा खासा है, सिंगापुर में लगभग 2.5 लाख भारतीय रहते हैं जो कि भारतीय ओरिजिन के हैं, उसमें से भी ज्यादातर तमिल ओरिजिन के हैं, ठीक है। जो सिंगापुर की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 7% भारतीय हैं। व्यापार, राजनीति एवं प्रशासन संबंधी क्षेत्र में भी हम प्रभावशाली हैं वहां पर, तो डायस्पोरा भी हमारा अच्छा खासा रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारे सिंगापुर के साथ संबंध, याद रखना सिंगापुर के साथ मेन एक्सरसाइज ही है, मेन हमारी सिंगापुर के साथ एक्सरसाइज ही है। और टाइगर इकोनॉमीज याद रखना, सिंगापुर के साथ कौन सी एक्सरसाइज हो रही है याद रखना। इसके बाद आता है भारत और इंडोनेशिया का संबंध।
देखिए भारत और इंडोनेशिया के संबंध की यदि मैं बात करूं तो काफी अच्छे संबंध रहे हैं प्राचीन समय में, और सांस्कृतिक संबंध हमारे काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं। बेसिकली जो है महाभारत और रामायण का प्रभाव काफी ज्यादा देखा जा सकता है इंडोनेशिया में। आज भी वहां पर रामलीला रामलीला का मंचन होता है। दक्षिण पूर्व एशिया में यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे बड़ी कंट्री है इंडोनेशिया, और विश्व की सबसे बड़ी इस्लामिक जनसंख्या वाला देश भी इंडोनेशिया ही है। इसके अलावा 1955 में जब भारत इंडोनेशिया के बीच संबंध 1955 में आयोजित बांडुक सम्मेलन, जितने पुराने हैं, 1955 में इंडोनेशिया के बांडुक शहर में बांडुक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसे हम एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस कहते हैं, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस कहते हैं, क्योंकि अफ्रीका और एशिया में एकता स्थापित करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। इंडोनेशिया में ही हुई थी, भारत के काफी अच्छे संबंध तब भी थे, और इसलिए भी थे ना क्योंकि भाई इंडोनेशिया शुरू में जवाहरलाल नेहरू जी के साथ था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, सुकार्नो, है ना, सुकार्नो इन्होंने मिलके शुरू करा था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो हमारे सांस्कृतिक संबंध भी है क्योंकि वहां महाभारत और रामायण का प्रभाव भी देखा जाता है। डायस्पोरा, डायस्पोरा मीन्स मतलब जो भारत के लोग बाहर जाके रहते हैं। अगर मैं अमेरिकन डायस्पोरा की बात करूं, अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा की बात करूं, तो भारत के जो लोग अमेरिका में जाकर के बस गए हैं, प्रवासी एक तरीके, है ना, आप प्रवासी कह सकते हैं। आर्थिक संबंध हमारे इंडोनेशिया के साथ कैसे हैं? तो आर्थिक संबंध हमारे काफी अच्छे हैं क्योंकि इंडोनेशिया भी विश्व की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और भारत का आसियान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान देशों में तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया के साथ हमारा जो है व्यापारिक भागीदारी साझा होती है। दोनों देशों के बीच 20 बिलियन डॉलर के भी ऊपर व्यापार पहुंच चुका है, यहां तक कि हमारा सामरिक समझौता भी हो चुका है। इसके अलावा दोनों देशों की समुद्री सीमा भी निकट है। देखिए भारत का जो अंडमान निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप है, वो इंडोनेशिया के काफी ज्यादा करीब है, वो इंडोनेशिया के काफी ज्यादा करीब है। अब सर करीब होने से क्या होगा? तो बेटा मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया के करीब है तो पड़ोसी से हमें संबंध अच्छे करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? भाई आप भारत की मुख्य भूमि से 1400 किलोमीटर दूर है अंडमान निकोबार, उसके पास इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया से अगर संबंध नहीं बनाए और चाइना ने बना लिए, तो चाइना इंडोनेशिया के पास आके बैठ गया, तो हमारे अंडमान निकोबार पे भी हिंद महासागर में हमारा प्रभाव कम होगा। तो हिंद महासागर में प्रभाव बनाने के लिए इनसे हमें संबंध अच्छे करने पड़ेंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार का बिल्कुल पड़ोसी है। इसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये भी इंडोनेशिया से होकर ही गुजरती है ना, जैसे आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, स्ट्रेट ऑफ सुंदा हो गया, लैम्बोक स्ट्रेट हो गया, ये सब इंडोनेशिया के पास है। ये देखिए ये रही स्ट्रेट ऑफ मलक्का, है ना, ये रहा इंडोनेशिया आपका, ये इंडोनेशिया है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जा रही है, मलक्का जल संधि, यहाँ से चीन जहाज भेजता है, अपने व्यापार होते हैं। ये रहा स्टेट ऑफ सुंदा, यहाँ से भी, है ना, और एक यहाँ पर है आपका स्टेट ऑफ, ये जो लिखा है आपका लम्बोक, यहाँ पर है स्टेट ऑफ लम्बोक, तो यहाँ से भी व्यापार होता है, तो ये सब इंडोनेशिया के पास है ना। और ये देखिए भारत का भी यहाँ पर है आपका, मैं कहूँगा अंडमान निकोबार, तो इंडोनेशिया के बहुत ज़्यादा पास है, तो फिर हमें जो है इंडोनेशिया से कहीं ना कहीं संबंध अच्छे बनाने ही बनाने पड़ेंगे भाई, ठीक है। इसलिए दोनों देशों के बीच मिलन नामक, देखिए मिलन जो है ना, मिलन एक मैं कहूंगा मल्टीलिटरल एक्सरसाइज है जो कि कई देशों के बीच में होती है, सिंगापुर भी है उसमें और इंडोनेशिया भी है और भी कई सारे देश शामिल है मिलन, उसमें इंडोनेशिया भी शामिल है। लेकिन जो बायलिटरल एक्सरसाइज होती है इंडोनेशिया और भारत के बीच में, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है, वो होता है गरुण शक्ति, इंड इंडो कॉर्पोरेट और समुद्र शक्ति, ये तीन याद रखना, गरुण शक्ति, इंड इंडो कॉर्पोरेट, समुद्र शक्ति। अब देखो ये वाला तो किसी को याद करने की जरूरत ही नहीं है, IND से इंडिया और INDO से इंडोनेशिया, तो आपको ये पता चल जाएगा ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। समुद्र शक्ति का याद रखना कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, गरुण शक्ति का ये हमारा जो है एयरफोर्स के बीच में होता है, समुद्र शक्ति नेवी में होता है, और ये आपका आर्मी में होता है ना, नाम से ही क्लियर है। तो गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, और इंड इंडो कॉर्पोरेट तो आपको पता ही है इंडोनेशिया के साथ ही है, नाम से ही पता चल रहा है, तीनों याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ, क्लियर है यहां तक की कहानी? ठीक, अब मैंने आपको इंडोनेशिया के साथ भारत के क्या संबंध है, सामरिक संबंध क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है,
और आपका सिंगापुर के साथ क्या संबंध है, टाइगर इकोनॉमिक्स क्या है, लॉजिस्टिक समझौता हमने अमेरिका के बाद सिंगापुर से करा है ये बताया, और अब हम बताने जा रहे हैं आपको थाईलैंड के साथ भारत के संबंध, इंडिया और थाईलैंड रिलेशन। थाईलैंड में बहुत सारे लोग भारत से घूमने के लिए जाते हैं। देखिए होता क्या है, 1945 के बाद थाईलैंड जो है 1945 के बाद अमेरिका के साथ चला जाता है, अमेरिका द्वारा निर्मित सैनिक संगठन का सदस्य बन जाता है, भारत गुटनिरपेक्ष रहता है, इसलिए हमारे संबंध शुरू में ज्यादा नहीं बन पाए थाईलैंड के साथ, दोनों के बीच में जो है दूरियां बढ़ती गई। फिर थाईलैंड तो उदारवादी था ही, भारत ने भी 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आया तो भारत ने सारे ये जो साउथ ईस्ट के नेशन इनके साथ संबंध सुधारने पर बल दिया, तो उसने थाईलैंड के साथ भी संबंध सुधारने पर बल दिया, तो एक नए संबंधों की शुरुआत यहां से होती है भारत और थाईलैंड के बीच में, क्योंकि भारत ने भी आर्थिक उदारीकरण अपना लिया था। 2016 में दोनों देशों के बीच 2016 में थाईलैंड ने भारत में 68 मिलियन डॉलर का निवेश करा था, और दोनों का द्विपक्षीय व्यापार 7.7 बिलियन डॉलर से अधिक था, और दोनों के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी संपन्न हो चुका। तो कुल मिलाकर व्यापार तो बड़ा, नो डाउट। इसके अलावा भारत और थाईलैंड को एक राजमार्ग से जोड़ा जा रहा है जो म्यांमार से होकर जाएगा। मैंने बताया ना, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, इनके बीच में एक हाईवे का निर्माण किया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी बढ़ा सके, भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट से लेकर के फिर म्यांमार, म्यांमार से होकर थाईलैंड, और फिर थाईलैंड से होकर आगे जो साउथ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनके साथ जोड़ना, उनके साथ कनेक्टिविटी एक्ट ईस्ट नीति का एक अंग है। ठीक है, इसके माध्यम से एक्ट ईस्ट नीति को जो एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसको प्रभावी बनाने का प्रयत्न करा जा रहा है। उसके अलावा हमारे सांस्कृतिक संबंध तो है ही, सांस्कृतिक संबंध, बौद्ध धर्म का साझा सांस्कृतिक महत्व, वहां पर भी बौद्ध धर्म को काफी ज्यादा माना जाता है, यहाँ पर भी बौद्ध धर्म का ओरिजिन है, इसलिए जो है दोनों देशों के बीच में जो है सुरक्षा और सामरिक संबंधों की स्थापना पर भी बल दिया जा रहा है। अब दोनों देशों के बीच में दो एक्सरसाइज होती है, याद रखना, मैत्री और सियाम भारत, मैत्री और सियाम भारत, किस किस के बीच में, इंडिया और थाईलैंड के बीच में, है ना, कोई ट्रिक तो नहीं निकल रही, लेकिन आपको ये याद रखना। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं मनमोहन जी, ये जो देश है ना ये बेसिकली छोटे छोटे द्वीप, बहुत सारे द्वीप हैं इस एरिया में, द्वीप छोटे छोटे बहुत सारे हैं, समुद्र से ही घिरे हुए हैं, है ना, और समुद्र का तल जब बढ़ेगा तो खतरा हो गई। ठीक है, तो क्या याद रखना है हमारा थाईलैंड के साथ, हमें एक तो हाईवे याद रखना कि म्यांमार से हो तो एक हाईवे हमारा वहां पर बन रहा है, दूसरी बात हमें एक्सरसाइज याद रखनी है, मैत्री और सियाम भारत एक्सरसाइज होती है किसके साथ, थाईलैंड के साथ, ये दो चीजें आप याद रखना थाईलैंड के संदर्भ में। बताओ एक बार यहां तक मुझे यस भेजो अगर यहां तक की कहानी क्लियर है, फिर एक बार वियतनाम की कहानी बता देता हूँ आपको। जल्दी से क्लियर है सबको यहां तक, क्लियर है ना सबको बेटा, एक बार फटाफट से जिसने भी क्लास को लाइक नहीं करा एक बार लाइक कर दो फटाफट से, सबके लाइक आ जाने चाहिए, देखो जितने बच्चे क्लास में लाइव हैं उतने तो लाइक हों कम से कम, है कि नहीं। कहानी समझ आ रही है सबको, मजा आ रहा है क्लास में, चलिए आगे बढ़ते हैं। और
अब बात करेंगे भारत और वियतनाम संबंधों की। देखिए वियतनाम के बीच में मैंने आपको बताया सबसे पहले तो विनबैक्स एक्सरसाइज हमारी वियतनाम के साथ होती है। कौन सी? विनबैक्स। कहाँ गया भाई विनबैक्स? ये रहा विनबैक्स। भारत और वियतनाम के संबंध प्राचीन काल से भी अच्छे रहे हैं, क्योंकि देखिए परंपरागत रूप में हम लोग हमारे जो संबंध है वो बेहतर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, वियतनाम फ्रांस की एक कॉलोनी हुआ करता था। 1945 के बाद वियतनाम ने स्वतंत्रता की मांग करी, फ्रांस से स्वतंत्र होने का प्रयास किया। फ्रांस ने भी वियतनाम को छोड़ने की घोषणा कर दी, लेकिन अमेरिका को टेंशन हो गई। अमेरिका को टेंशन क्या हो गई कि यार ये जो वियतनाम है ना, यहां समाजवादी व्यवस्था ना आ जाए, क्योंकि वियतनाम समाजवाद से प्रभावित था और भारत भी समाजवाद से ही प्रभावित था। इसको अमेरिका को टेंशन हो गई कि यहां पर साम्यवादी शासन ना आ जाए, तो अमेरिका ने अपनी सेना भेज दी यहां पर वियतनाम में। वियतनामियों के द्वारा अमेरिका की जो सेना है उसके विरुद्ध संघर्ष करा गया, क्योंकि अमेरिका ने सेना भेज दी। वियतनाम खफा हो गया और वियतनाम के जो लोग हैं, वियतनाम की जो सेना है, उसने संघर्ष करा अमेरिका के विरुद्ध, और भारत ने इस समय वियतनाम का समर्थन करा। क्योंकि सीधी बात है, भारत किसका समर्थन करता है? भारत समर्थन करता है संप्रभुता का। लेकिन अमेरिका ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो वियतनाम में जबरदस्ती करी, जो कि सरासर गलत था। तो भारत ने उसकी आलोचना करी और भारत ने वियतनाम का समर्थन करा यहाँ पर। इसलिए भारत और वियतनाम के बीच में हमारे संबंध थे। फिर वियतनाम का जो झुकाव है वो यूएसएसआर की तरफ था, भारत का झुकाव भी यूएसएसआर की तरफ था, क्योंकि भारत और यूएसएसआर अच्छे मित्र थे, वियतनाम और यूएसएसआर भी अच्छे मित्र थे, तो इसलिए हमारे संबंध अच्छे रहे। दोबारा से एक बार सुन लो, फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था, फ्रांस ने वियतनाम को छोड़ने की घोषणा करी, अमेरिका को टेंशन हो गई, अमेरिका ने अपनी सेना भेज दी, वियतनाम के लोगों ने उस सेना के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, भारत ने समर्थन करा किसका? वियतनाम का। और वियतनाम यूएसएसआर संबंध, भारत यूएसएसआर संबंध अच्छे थे, तो हमारी जो है थोड़ी सी पट गई। ठीक है, 1971 में सोवियत संघ और चीन के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया और दोनों साम्यवादी देश अलग हो गए। देखो चीन से हमारी लड़ाई, ठीक है, और यूएसएसआर और चीन के बीच में इस समय दोस्ती नहीं थी, इस समय दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर आप जो मर्जी कहिए, संबंध थोड़े से कटे हुए थे। भारत पर चीन ने वैसे ही 1962 में आक्रमण कर दिया, तो भारत वैसे ही चीन से खफा था। इधर वियतनाम भी चीन से खफा हो गया। वियतनाम के द्वारा सोवियत संघ का समर्थन किया गया, चीन की आलोचना करी गई, भारत के द्वारा भी चीन की आलोचना करी गई, तो यहां पर भी हमारा पॉइंट मिल गया, इसलिए हमारे संबंध अच्छे हो गए। लेकिन वियतनाम और चीन के बीच संबंध प्रतिकूल हो गए, भारत और चीन के साथ, चीन के भी प्रतिकूल थे, तो इसलिए भारत और वियतनाम के बीच सहयोग और बढ़ता गया। फिर 1975 में अमेरिका की सेना वापस लौट गई, वियतनाम में समाजवादी शासन की स्थापना हो गई, और वियतनाम के समाजवादी शासन के विरुद्ध चीन और थाईलैंड के द्वारा कंबोडिया में पोल पोट के शासन का समर्थन कर दिया गया। देखिए 1975 में अमेरिका की सेना वापस लौटती है और वियतनाम में होती है समाजवादी शासन की स्थापना। इससे किलस कर यहां आप कहिए, इससे ये अच्छा नहीं लगा अमेरिका वगैरह को, थाईलैंड वगैरह को, तो कंबोडिया में यहां पर पोल पोट के शासन का समर्थन कर दिया। देखिए था क्या, कंबोडिया में जो था ना, दो लोगों के बीच में शासन का संघर्ष था, एक था पोल पोट, दूसरा था हैंग सामरिन। इन दोनों के बीच में जो है सत्ता का कहीं ना कहीं कंपटीशन चल रहा था, प्रतिस्पर्धा चल रही थी, तो दोनों शासन पर अपना नियंत्रण बनाना चाहते थे। पोल पोट को अमेरिका, चीन, थाईलैंड और आसियान के द्वारा समर्थन किया गया। इस समय देखो चीन और अमेरिका दोस्त थे, इस समय चीन और अमेरिका दोस्त थे, तो कंबोडिया में पोल पोट के शासन का समर्थन कर रहे थे ये लोग। दूसरी तरफ हैंग सामरिन के शासन का समर्थन सोवियत संघ ने करा और भारत ने भी हैंग सामरिन के शासन का समर्थन करा, क्योंकि ये लोग जो है पूंजीवादी थे, ये जो है साम्यवादी थे। वियतनाम के द्वारा कंबोडिया में सैनिक हस्तक्षेप करा गया, जिसके विरुद्ध चीन ने वियतनाम पर 1979 में हमला कर दिया। तो इस तरीके का देखिए कुल मिलाकर जो कहने की कहानी है वो ये है कि चीन और वियतनाम के संबंध अच्छे नहीं रहे, भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं रहे, वियतनाम और यूएसएसआर के संबंध अच्छे रहे, भारत और यूएसएसआर के संबंध अच्छे रहे, अमेरिका के साथ भारत और वियतनाम दोनों के संबंध नहीं अच्छे रहे। तो हमारी स्थितियां थोड़ी सी एक जैसी हो गई, जिसके कारण जो है हमारे में मित्रता बढ़ती गई वियतनाम और भारत के बीच में। फिर 1991 में जब सोवियत संघ का डिस इंटीग्रेशन हो गया, युद्ध वुद्ध समाप्त हो गया, तब समाजवाद के बजाय आर्थिक उदारीकरण की प्रणाली हमने भी अपना ली थी और वियतनाम ने भी अपना ली फिर, ठीक है। इसलिए वियतनाम के साथ परंपरागत संबंधों को आर्थिक सामरिक
रूप से सुदृढ़ करने का हमारा प्रयत्न करा गया। फिर दोनों देशों के बीच चाहे टेक्सटाइल हो, कृषि हो यानी कि एग्रीकल्चर, मेडिसिन और एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग किया गया। तो जब 1991 के बाद सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन होता है, तब दोनों देशों के बीच में, वियतनाम और भारत के बीच में, अलग अलग क्षेत्र में जैसे एग्रीकल्चर फील्ड हो गई, मेडिसिन हो गई, एनर्जी हो गई, टेक्सटाइल्स हो गई, इनमें सहयोग करा गया और व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयत्न करा गया। ठीक है, फिर भारत ने इंडिया इज प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक असिस्टेंस टू वियतनाम एंड स्पेशल एम्फेसिस वॉज गिवन रिलेशन विद वियतनाम अंडर दी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत हम वियतनाम के साथ आर्थिक संबंध और बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वियतनाम को हमने आर्थिक सहायता भी दी। फिर हमारे दोनों देशों के बीच में सामरिक संबंध भी अच्छे हैं क्योंकि हमारे बीच में विनबैक्स एक्सरसाइज होती है, याद रखना वी से वियतनाम, आई से इंडिया और बी ए एक्स, है ना, एन बी ए एक्स अपने आप लगा लेना, है ना, विनबैक्स। 2015 में, 2015 में हमारे बीच में 5 वर्ष के लिए रक्षा समझौता होता है जिसके द्वारा दोनों देशों की समुद्रीय तटीय रक्षकों के बीच समुद्रीय रक्षा सुरक्षा वियतनाम के सैनिकों की प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई, यानी कि वियतनाम के सैनिकों को भारत प्रशिक्षण देगा क्योंकि सामरिक संबंधों का विकास करना था। तो वियतनाम की जो नौसैनिक, जो नेवी की जो आपकी सबमरीन्स होती हैं उसमें जो सैनिक काम करते हैं, है ना, इंडिया विल ट्रेन सोल्जर वर्किंग इन वियतनाम्स नेवल सबमरीन्स एंड इंडिया इज कंसीडरिंग गिविंग ब्रह्मोस मिसाइल टू वियतनाम। इंडिया इस चीज पर भी विचार कर रहा है कि वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल दी जाए। होता है ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत के साझा उत्पादन के द्वारा निर्मित करी गई थी, है ना, तो वियतनाम के सैनिकों को भारत प्रशिक्षण देगा, इसके अलावा ब्रह्मोस भी देगा। ठीक है, इसके अलावा 100 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता भी हमने प्रदान करी और भारत से वो सैन्य सामग्री भी खरीद सके, ताकि इसलिए हमने 100 मिलियन डॉलर की उनकी 100 मिलियन डॉलर की हमने हेल्प भी करी। ठीक है, वियतनाम की, क्लियर है यहां तक, बताओ क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को? ठीक है, क्लियर। वियतनाम के साथ क्या संबंध रहे हैं भारत के, इंडोनेशिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, सिंगापुर के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, ठीक है, आसियान का निर्माण कैसी परिस्थितियों में हुआ, किसने करा, क्यों करा, क्लियर है सब? कुछ क्वेश्चन कर ले अब, कुछ क्वेश्चन कर ले अब, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप उसके आंसर करेंगे। पहला प्रश्न ये है, पहला प्रश्न ये है कि बताएं गरुण शक्ति, एक्सरसाइज जो कि नेवल एक्सरसाइज है, सॉरी एयर एक्सरसाइज है ना, एयरफोर्स के बीच में होती है, किस किन दो देशों के बीच में होती है? गरुण शक्ति, गरुण शक्ति, बिल्कुल बिल्कुल, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न है, मेरा अगला प्रश्न है, सिम्बैक्स, सिम्बैक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है? सिम्बैक्स,
ठीक है, इंडिया और सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर के साथ होती है। चलिए तीसरा प्रश्न ये है, टाइगर इकोनॉमीज में कौन कौन से देश आते हैं? टाइगर इकोनॉमीज में कौन कौन से देश आते हैं? टाइगर इकोनॉमीज में बेटा कौन कौन से देश आते हैं, जल्दी से बताओ। सबसे पहले सिंगापुर आ जाएगा आपका, हांगकांग आ जाएगा और ताइवान आ जाएगा, और कौन सा है आपका, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग और साउथ कोरिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है एक्सरसाइज मैत्री किस किस के बीच में होती है? एक्सरसाइज मैत्री, थाईलैंड कंफर्म है भाई? थाईलैंड देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं एक बार। मैत्री और श्याम भारत है ना, मैत्री और श्याम भारत होती है, मैत्री और श्याम भारत एक्सरसाइज थाईलैंड के साथ होती है भाई। चलिए और आप ये बताएं, आप ये बताएं बेटा, कंबोडिया, कंबोडिया किस वर्ष आसियान का सदस्य बना? कंबोडिया किस वर्ष आसियान का सदस्य बना? नाइनटीन नाइनटी नाइन, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, 1999। ठीक है, अब और कुछ प्रश्न, सिक्स प्रश्न मेरा है भाई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में मोदी जी द्वारा जो लॉन्च करी गई थी, इसमें जो चार सी थे वो चार सी कौन से थे? चारों सी के नाम बताओ फटाफट से, है ना, एक दो तीन चार करके, एक दो तीन चार, चारों सी के नाम बता दो फटाफट से। चार सी कौन कौन से थे? कल्चर, कल्चर, कॉमर्स यानी कि वाणिज्य, और आपका कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग,
ठीक है, ये चार सी थे, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे को ये बताएं, आप मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं अलग लेवल पर जा रहा हूं। पंचशील, जो पंचशील का बेटा जो समझौता हुआ था, पंचशील के समझौते में पांच बातें करी गई थी, वो पांच बातों में से शॉर्ट कीवर्ड में मुझे पांचों बातें बताओ, क्या क्या था इसके अंदर इंक्लूड। 1 2 3 4 5, जल्दी जल्दी, है ना। जल्दी से, पंचशील के पांच सिद्धांत क्या थे? देखिए, बिल्कुल करेक्ट। पहला जो था आपका इंटीग्रिटी, पहला था जो आपका वो था इंटीग्रिटी, और सोवनिटी यानी कि अखंडता और संप्रभुता का हम सम्मान करेंगे भाई, है ना। अखंडता और संप्रभुता यानी कि इंटीग्रिटी और सोवनिटी, इसका हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। फिर आपका था नॉन एग्रेशन, नॉन एग्रेशन, नॉन एग्रेशन यानी कि हम जो है शांतिपूर्ण रहेंगे, एक तरीके से हम कह सकते हैं, है ना, आक्रमण नहीं करेंगे एक दूसरे पर, गैर आक्रामकता। फिर नॉन इंटरफेरेंस, है ना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हम लोग जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि मैं कहूंगा अहस्तक्षेप, है ना, नॉन इंटरफेरेंस। फिर आपका एक तो इक्वालिटी यानी कि समानता, दूसरा आपका कॉपरेशन करेंगे और म्यूचुअल बेनिफिट, है ना, म्यूचुअल बेनिफिट। पारस्परिक, मैं कहूंगा पारस्परिक लाभ के लिए काम करेंगे, है ना। और जो लास्ट यानी कि फिफ्थ है वो है आपका को एग्जिस्टेंस यानी कि पीसफुल, पीसफुल को एग्जिस्टेंस यानी कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये पांच सिद्धांत हैं, है ना, पंचशील की नीति के। भाई एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे, आक्रामक आक्रामकता नहीं करेंगे यानी कि गैर आक्रामक आप पे आक्रमण नहीं करेंगे दोनों एक दूसरे पर, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के लाभ के लिए काम करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से रहेंगे। भैया आई बात समझ, बताओ। आगे बात समझ, भारत और आसियान के बीच समिट कब शुरू हुई? भारत आसियान के बीच में समिट यानी कि शिखर सम्मेलन बेटा कब से हो रहा है, जल्दी से बता दो, कब से हो रहा है, किस वर्ष भारत और आसियान के बीच में शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था?
पता किसी को? नहीं पता, भूल गए ना? गलत 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 बेटा। समिट जो है हमारी 2002 से शुरू होती है। भारत और आसियान की जो शिखर वार्ता है, शिखर सम्मेलन 2002 से शुरू होता है। इसके बाद जो है क्षेत्रीय वार्ताकार सहभागी का सहभागिताकार का दर्जा जो है भारत को 1992 में मिलता है, और 1996 में भारत फुल डायलॉग पार्टनर बन जाता है, पूर्ण क्षेत्रीय पूर्ण वार्ताकार बन जाता है आसियान के साथ। पहले क्षेत्रीय वार्ताकार 1992 में, 1996 में पूर्ण वार्ताकार, और 2002 से हमारी समिट शुरू होने लग जाती है, भारत आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हो जाता है। आई बात समझ? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और अभी इस पीडीएफ में मैं जो है कुछ ऐड करूंगा, कुछ दो चार चीजें और ऐड करके आपको जो है टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चलिए, किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए, वरना एक बार यस लिखिए, फिर क्लास को एंड करते हैं। और बेटा जिसने क्लास को लाइक ना करा हो, एक बार लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेटा सब्सक्राइबर वापस धीरे हो रहे हैं बढ़ने, एक बार सब्सक्राइबर आप लोगों की जिम्मेदारी है, सब्सक्राइबर बढ़वाना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो क्लास को। ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़वाना बेटा, आप लोगों की जिम्मेदारी है, जितना शेयर करोगे उतना बढ़िया है। चलिए तो क्लास को एंड कर रहे हैं और मिलते हैं आपसे। फुल डायलॉग पार्टनर बेटा 1996, फुल डायलॉग पार्टनर 1996 में बना। देखिए टाइगर इकोनॉमी आसियान में नहीं है, लेकिन टाइगर इकोनॉमी में आसियान के कुछ देश शामिल है, जैसे आपका सिंगापुर हो गया। सिंगापुर के अलावा आपका इसमें ताइवान आ जाएगा, लेकिन वो आसियान में नहीं आता। ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, और हांगकॉन्ग आ गया। आसियान से एक ही देश आता, सिंगापुर। ठीक है ना? चलिए ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं आपसे कल सुबह 10:30 बजे।